नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधिमंडल में शिष्टाचार भेंट की। प्रतिनिधिमंडल में सदस्य एनडीएमए श्री राजेंद्र सिंह, संयुक्त सचिव एनडीएमए श्री रामेश कुमार एवं संयुक्त सलाहकार एनडीएमए श्री नवल प्रकाश शामिल थे। इस अवसर पर उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा एवं राहत और बचाव कार्य जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में फॉरेस्ट फायर और लैंडस्लाइड जैसी प्राकृतिक आपदाओं से अधिक नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के तहत बनाई जाने वाली योजनाओं में वनाग्नि जैसी प्राकृतिक आपदाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा दूरस्थ क्षेत्रों में राहत कार्य पहुंचाना भी एक चुनौती है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से युवा मंडल दलों एवं महिला मंडल दलों को आपदा की परिस्थिति में राहत एवं बचाव कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिसमें घायलों को फर्स्ट एड देने जैसे प्रशिक्षण भी शामिल है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से एनडीएमए द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम आपदा मित्र के प्रशिक्षण में ड्रामा ट्रेनिंग, फर्स्ट एड जैसे प्रशिक्षणों को शामिल करने की बात कही है। वहीं एनडीएमए श्री राजेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशों के अनुपालन में देश भर में आपदा मित्र योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत आपदा मित्रों को 12 से 15 दिन का बचाव एवं राहत कार्य का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत देश के 720 जनपदों में से 350 जनपदों में लगभग 1,00,000 आपदा मित्र तैयार करने की योजना है, जिसमें उत्तराखंड दो जनपद हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर शामिल हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 तक देश को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नंबर वन बनाने का लक्ष्य दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न राज्यों में शेल्टर बनाए जा रहे हैं। यदि राज्य सरकार जमीन उपलब्ध करा दे तो उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में आपदा से प्रभावित 3,000 से 5,000 लोगों के ठहरने हेतु शेल्टर भी बनाए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के शेल्टर आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में काफी मददगार साबित होंगे एवं इसके लिए राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता दी जाएगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए उत्तराखंड ब्यूरो की खास रिपोर्ट।